नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर सेक्स एजुकेशन का जो पन्ना पलटा, उस पन्ने के पलटने के बाद से पटना से लेकर के दिल्ली तक बवाल हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीतीश बाबू ये किस लाइन में आ गए। सीएम साहब सदन में जो ज्ञान लोगों को देने की कोशिश कर रहे थे वो ज्ञान भर तो ठीक था, लेकिन जिन शब्दों के चयन के साथ नीतीश कुमार ने भाषण दिया, वो ज्ञान दिया, उसने लोगों को शर्मसार कर दिया। लोग काफी असहज हो गए नीतीश के बयान से। सदन से लेकर के बाहर तक बैठी महिलाएं आप देखिए कि कितनी असहज हो चुकी है। कोई नीतीश के इस बयान को शर्मनाक बता रहा है, तो कोई जो लोग हैं, किसी का कहना है कि नीतीश कुमार ने सदन में सारी मर्यादाएं जो है वो तोड़ डाली है। वहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर भी नीतीश कुमार के बयान पर लोग अपना अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। नीतीश का ये बयान जैसे सोशल मीडिया तक पहुंचा, लोगों के अंदर गुस्सा फूट कर निकलने लगा और गुस्सा होना लाजमी भी था। महिलाओं के लिए इस तरह का बयान, वो भी एक राज्य के सीएम की तरफ से आना, मतलब कि जिस भाषा का सीएम नीतीश ने चयन किया वो भाषा बहुत शर्मसार करने वाला है। लोगों को इससे आपत्ति है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, ये बेहद जरूरी भी है, लेकिन ये विषय बेहद ही नाजुक भी है कि जरा सी अगर आपकी जुबान फिसली तो आपके विचार और चरित्र का पोस्टमार्टम होने में देरी नहीं लगती है। और कुछ ऐसा ही हुआ कल बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ। सोशल मीडिया पर चारों तरफ नीतीश बाबू का बयान छाया रहा और विरोध भी उसी तरीके से होता रहा। वहीं अब नीतीश के बयान पर महिला आयोग का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने नीतीश कुमार से माफी की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नीतीश कुमार के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनका एक एक्स हैंडल पर पोस्ट सामने आया है। वो पोस्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे, वो पोस्ट आप देखिए। हालांकि रेखा शर्मा के इस पोस्ट के बाद और कड़ी निंदा के बाद नीतीश कुमार ने माफी मांगी, लेकिन नीतीश के माफी पर रेखा शर्मा का बयान आया और उन्होंने साफ कह दिया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सदन में ये बयान दिया था, वो माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने, एक छोटे ग्रुप के सामने माफी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए। एनसीडब्ल्यू इस देश की प्रत्येक महिला की ओर से सीएम नीतीश कुमार से तत्काल और स्पष्ट माफी की मांग करती है। विधानसभा में उनकी अशोभनीय टिप्पणी अपमानजनक है। उस गरिमा और सम्मान के लिए जिसकी हर महिला हकदार है, उनके भाषण के दौरान इस्तेमाल की गई ऐसी अपमानजनक और घटिया भाषा हमारे समाज पर एक काला धब्बा। अगर कोई नेता लोकतंत्र में इतनी खुलेआम ऐसी टिप्पणी कर सकता है तो कोई केवल कल्पना कर सकता है कि राज्य कितना भयावह होगा। उनके नेतृत्व में सहनशील इस तरह के व्यवहार के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और जवाबदेही की मांग करते हैं। ये पोस्ट महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा का है। नीतीश कुमार के बयान की अब चहुंओर निंदा हो रही है, क्योंकि बिहार की बाकी समस्याओं पर आप देखिए कि बिहार के सीएम कभी सदन में इतने विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें नहीं देखा गया। और अगर कोई चर्चा छेड़ दे या मीडिया वाले अगर सवाल पूछ ले तो नीतीश कुमार अक्सर आजकल या दो जवाब देते नजर आते हैं, या तो पता नहीं, हमको मालूम नहीं, और दूसरा सब ठीक है, तो सवाल ही कभी कभी टाल जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब इस टॉपिक पर नीतीश कुमार बोलते हैं और इस तरीके से ट्रोल होते हुए नजर आए हैं। इसके पहले भी नीतीश कुमार इसी तरह से चिल्ला चिल्ला कर ज्ञान दे चुके हैं, और तब भी देखिए कि नीतीश कुमार की ऐसी ही ट्रोलिंग हुई थी, तब भी उनके भाषण पर बवाल मचा था। और अगर पिछले बार का अगर ख्याल रखकर इस बार नीतीश कुमार बोलते तो शायद ये नौबत नहीं आती। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।